हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम है, आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। यूपीएससी ईपीएफओ की जो न्यू डेट है एग्जाम की, वो डिक्लेयर हो चुकी है और आपका जो एग्जाम है वो 2021 यानी 9 मई 2021 में होने वाला है। तो उसके लिए आप सभी को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ के बैच में अगर हम सिलेबस की बात करें, छोटा सिलेबस नहीं है, काफी बड़ा सिलेबस है, उसको कवर करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप सभी से, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं और जो यूपीएससी ईपीएफओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पर, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक के ऊपर हिट भी करें। इसी से हमें पता चलेगा कि आप लोग इस स्टेशन को देख रहे हैं। ओके, तो जल्दी से आप लोग शेयर करते जाइए। तो यहां पर हम आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग जीआईबी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और आप सभी के लिए एक बिल्कुल नया बैच लॉन्च किया गया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि यूपीएससी ईपीएफओ में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 421 है, 421 टोटल वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर टू स्टेज एग्जाम है आपका, एक तो रिटर्न टेस्ट होगा जिसको हम बोलते हैं आरटी, एंड उसके बाद में डायरेक्टली जो भी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे रिटर्न एग्जाम देने के बाद में, जो मेरिट में टॉप पर आएंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, और 2 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है, 2 घंटे का है। पेनल्टी की बात करें तो 1/3 के इक्वल आपको पेनल्टी यहां पर लगेगी। तो ध्यान रखना कि जब आप एग्जाम के दौरान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, रॉन्ग अटेम्प्ट क्वेश्चन से आप लोगों को बचना है। तो यहाँ पर हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं चंदन सर, वेलकम है चंदन सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं तेजस सर, तेजस सर आपका भी वेलकम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हम चलते हैं चंदन सर के पास में और चंदन सर से जान लेते हैं, वो अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं, कि यहाँ पर अगर हम यूपीएससी ईपीएफओ में अकाउंट्स के वेटेज की बात करें, और बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ में ऐसे हैं, कनेक्टेड हैं, जिनका अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है या उन्होंने अपने एकेडमिक में कभी भी अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, तो वो यहाँ पर इस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन को इजिली कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, और यहाँ पर उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी सो दैट अकाउंट्स के की उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। चंदन सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू अड्डा टीम, और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली ईपीएफओ की, यूपीएससी की। और जैसा कि हमने बताया भी था कल और आज मैं फिर बताना चाहूंगा, ये अकाउंटिंग एक ऐसा सेक्शन ईपीएफओ का जो हमने प्रीवियस ईयर देखा, 2-3 साल 4 साल का जो हमने प्रीवियस पेपर देखा, उसमें 15-16 क्वेश्चन स्पेशली अकाउंटिंग से ही पूछे जा रहे हैं। 15-16 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन अकाउंटिंग से पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन बेसिक से लेकर लॉजिकल तक पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन भी और लॉजिकल क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब बात है कि अकाउंटिंग कैसे पढ़े, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा पार्ट है हमारा ईपीएफओ का, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्चुअली क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल में। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अकाउंट्स बेसिकली कॉमर्स वालों को ही पढ़ाया जाता है जो कॉमर्स स्ट्रीम के है। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट है और जो साइंस के स्टूडेंट है वो सोचते होंगे सर हम तो ईपीएफओ का फॉर्म भर दिए लेकिन सर हमारा अकाउंट्स तो हम मुझे आता नहीं कुछ, तो कैसे होगा? तो उसके लिए मैं हूं, हमारा टीम है, हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि अकाउंट से पढ़ना क्या है। तो कई लोग को लगता है सर अकाउंट्स होता क्या है, इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या होता है, स्पेशली आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट ये सोचते होंगे सर अकाउंटिंग में पढ़ना क्या है, क्या इसमें मैथ्स बनाना है, क्या इसमें कोई कैलकुलेशन है? तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई मैथ्स और कैलकुलेशन नहीं है, बस एक बेसिक आइडिया दे दूं मैं आपको, फिर आपको मैं चैप्टर वाइज इसका कॉन्सेप्ट करवाऊंगा क्या है अकाउंट्स बेसिकली है, इसमें हमको क्या सीखने को मिलता है। अकाउंटिंग हमें सिखाता है कि किसी भी बिजनेस में होने वाले जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम कैसे डे टू डे रिकॉर्ड करेंगे, वो तरीका, वो मेथड हम सीखते हैं अकाउंट्स में।
और उसी को हम चैप्टर वाइज समझेंगे कि कैसे कोई कंपनी या कैसे कोई अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, फिर उसको समराइज करता है, फिर वो लेजर बनाता है, और अकाउंटिंग करने से क्या लाभ है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है किसी कंपनी का, उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कंपनी को क्या फायदा होने वाला है, और एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये सारा जो अकाउंटिंग टर्म्स है, फिक्टिशियस एसेट्स, ये सारा चीज मैं क्लियर करूंगा। मेरा जो प्रोसेस होगा अकाउंट्स पढ़ाने का ईपीएफओ में, वो इस तरह से होगा कि पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से शुरू करके फिनेंशियल स्टेटमेंट तक जाऊंगा, जो करीबन 6 से 8-7 चैप्टर इंपॉर्टेंट, जिससे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहले मैं चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करूंगा, उसके बाद उस चैप्टर से पर्टिकुलर कितने टाइप के वैरायटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारा चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ उससे एग्जाम में किस टाइप के ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड होगा। मुझे उम्मीद है आप इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, अकाउंट में आप तो एकदम माहिर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हमारा अड्डा 247 की टीम आपके साथ है। थैंक यू सर। थैंक यू चंदन सर। और यहाँ पर इसके बाद हम लोग चलेंगे तेजस सर के पास में, और तेजस सर के पास में जाने से पहले अगर आप लोग अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर यूपीएससी एपीएफओ में अकाउंट से आप लोग डर रहे हैं, आपका अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो चंदन सर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जिस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं आपके यूपीएससी एपीएफओ में, उन सभी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो मैं आप सभी को लेकर चलता हूं कि इस बैच में आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पर इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो लेने होंगे, सो दैट यहां पर आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सके। तो हम यहां पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए adda247.com, ये आपको टाइप करना है adda247.com। इसे टाइप करने के बाद में एंटर के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे, एंटर करने के बाद में नीचे स्क्रॉल कीजिए, और स्क्रॉल करने के बाद में यहां पर आएगा गवर्नमेंट जॉब्स कोर्सेस बाय एग्जाम, और यहां पर आपको मिलेगा ईपीएफओ। आप लोग देखेंगे यहाँ पर ईपीएफओ का लोगो भी लगा हुआ है, इस लोगो के ऊपर भी आप लोग क्लिक, इसको ध्यान से देखना है, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप लोगों को सबसे ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहां पर आपके साथ में एक जो पूरी की पूरी एक्सपर्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, और यहां पर आपके लिए एक बिल्कुल नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, इसका नाम है यूपीएससी ईपीएफओ क्रैकर बैच। यहां पर इस बैच के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इस बैच में आपको 300 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें सभी 9 सब्जेक्ट कवर होंगे, और इसके साथ साथ आपको यहां पर 65 मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में सबसे अच्छी बात यहां पर यह है, नीचे जाएंगे चेक दी स्टडी प्लान फॉर हियर, यहां पर हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पूरा का पूरा जो स्टडी प्लान है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहां पर इस स्टडी प्लान में आप एक एक क्लास को देख सकते हैं कि कौन सी डेट में आपकी कौन सी क्लास होगी और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, तो पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। और यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे अच्छी जो स्ट्रेटजी है वो है आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। जिन कैंडिडेट्स के पास, जिन एस्पिरेंट्स के पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होगा, वही यूपीएससी ईपीएफओ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाएंगे और यहां पर सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहां पर यह बैच आप सभी को 2000999 में प्रोवाइड किया जा रहा है, है ना, 2999 रुपए में बैच मिल रहा है, जिसमें सभी 9 सब्जेक्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इकोनॉमिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंडियन पॉलिटी, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशू, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर लाइव क्लास के बाद में आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगा, और रिकॉर्डेड वीडियोस आप adda247 की एप्लीकेशन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तब भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और हर लेक्चर का आपको पीडीएफ मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे आपको रिविजन करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक कीजिए। व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करने के बाद में अभी यहां पर जो भी ऑफर चल रहा है आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर आ जाएगा, है ना, जो भी कोड आपको मिलेगा उसका यूज कीजिए, और यूज करने के बाद में एनरोलमेंट कीजिए। और अभी अगर आप इस बैच में एनरोलमेंट करते हैं तो 3 मंथ्स की 3 महीने की
एडिशनल वैलिडिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये था यूपीएससी ईपीएफओ का क्रैकर बैच, जिसमें यहां पर पूरी टीम आपके साथ में कनेक्ट हो रही है, पूरी टीम आपके साथ में जुड़ेगी और यहां पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर हम चलते हैं चंदन सर के, तेजस सर के पास में, है ना। चंदन सर ने तो आपको बताया है कि किस तरीके से आप यहां पर अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तेजस सर, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिए, एस्पिरेंट्स को, कि किस तरीके से वो यहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रिपरेशन करने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर। प्रवीण सर ने जैसे बहुत अच्छे से समझाया आपको कैसे कोर्स आपको परचेज करना है, कैसे क्या सब्जेक्ट आपको कवर मिलेंगे, इन सब के बारे में प्रवीण सर ने आपको बताया। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी करने के लिए मैं अगर आपको जीएस फैकल्टी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ाऊंगा, तो इकोनॉमिक्स में भी बहुत बच्चों डाउट्स होते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कई सारे टर्म्स ऐसी होती हैं, जीडीपी हो गया या इन्फ्लेशन टर्म्स हो गया, इकोनॉमिक्स से कई सारे टर्म्स होते हैं जो बच्चा नहीं समझ पाता है। तो बेसिकली मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल चीज से लिंक करूंगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल चीज नहीं समझेंगे तब तक इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आएगी, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे वो आर्ट का बच्चा हो, उसके लिए भी इकोनॉमिक थोड़ा दूर रहती है क्योंकि वो बहुत टर्म से डरता है। अब आने वाले टाइम पे आप देख रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि इकोनॉमिक करंट के हिसाब से भी लिंक करती है, इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं करंट को भी लिंक करता है। इकोनॉमी डाउन हो रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, उसको भी देखना है। तो जीएस में जो जीएस में सब्जेक्ट आपके इकोनॉमिक्स आता है वो कहीं ना कहीं करंट को भी लिंक करता है, और यूपीएससी हो या फिर आपका कोई भी एग्जामिनेशन होता है, इकोनॉमिक्स और करंट हमेशा दोनों का तालमेल रहता है, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम जो होता है करंट लेवल के साथ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वहां डाल दिए जाते हैं। तो जैसे आपने देखा कि पूरी टीम है, जीएस के लिए हमारे राजेश सर है, हमारे लिए पॉलिटिकल जीवेश सर है, वो आपको डीपली आपको एक एक ढंग से समझाएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। तो जो लोग बिगिनर्स है, जिनको कभी नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि वो लोग चीजों को कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि आप कहीं और ट्राई करते हैं, यूपीएससी लेवल ट्राई करते हैं तो बेसिक आपको आना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको बेसिक चीजों को समझाया जाएगा। जैसे चंदन सर ने आपने कहा कि अकाउंट के बारे में कैसे चीजों लेके चलेंगे, तो उन सभी के लिए यहाँ पर तैयारी करने का बेहतरीन मौका मिल रहा है। तो देखो, क्रैकर बैच है, क्योंकि आपको पता है कि 9 मई को ये पेपर आपका होने जा रहा है 2021 में, तो काफी टाइम है उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बिगिनर फॉर्म तो भर दिए, उनको प्रिपरेशन का एक रास्ता नहीं, करना कैसा है। तो जैसे प्रवीण सर ने आपको कहा कि देखिए कैसे करना है, आपके पूरा शेड्यूल मिला हुआ है, कौन सा टीचर कब पढ़ाए, पूरा पैटर्न आपको दिया गया, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर दिया गया। तो प्रवीण सर, यस सर, थैंक यू सर। यहाँ पर आप सभी को पता चल गया होगा कि अगर हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करें, काफी वेटेज है इकोनॉमिक्स का भी, और जिन कैंडिडेट्स का कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है या उन्होंने अपने एकेडमी में कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, वो जो कैंडिडेट्स हैं काफी डरते हैं इस सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर तेजस सर आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक लेवल से आपको डिलीवर करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में, क्योंकि जब हमें एग्जाम्पल काफी पुट किए जाते हैं तो वो टॉपिक हमें और अच्छे से समझ में आता है। चाहे हमारा बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी हम उन सभी टॉपिक्स को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये जो 9 सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले आप सभी ये जान लीजिए कि हर सब्जेक्ट में पीएचडी होती है, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। या यहां पर अगर हम लोग बात करें कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और लगातार आप उसी की स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी इनफ नहीं होगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आप लोगों का मेन टारगेट है कि हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और आप सभी को पता होगा जो रिटन टेस्ट है आरटी, उसका 75% वेटेज है, और उसके बाद में जो इंटरव्यू होगा उसका 25% का वेटेज है। तो दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले जो 75% वेटेज है वो काफी ज्यादा वेटेज है। तो रिटर्न एग्जाम में अगर आप लोग जितने ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे उतने ही फाइनल में सेलेक्ट होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिटर्न के ऊपर आपको काफी फोकस करना होगा। और उसके बाद में यहां पर जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, वो एक बात और जान लीजिए कि ये जो सभी सब्जेक्ट हैं इनके बेसिक्स तो आपको आने ही चाहिए, और बेसिक से ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो बड़ी आसानी से आप लोग जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के दौरान उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा डीपली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पीएचडी बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखेंगे जब आप बुक्स परचेस करके लाएंगे, मोटी मोटी बुक्स आपको मिलेंगी,
ठीक है, इतना डीपली नहीं जाना, आपको पीएचडी नहीं करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में है ना, अगर यूपीएससी ईपीएफओ में आपको कामयाब होना है तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट कीजिए। पैटर्न देखिए किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और हमारे साथ में जो पूरी टीम है उनके पास में प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपको क्लासेस के दौरान बताने वाले हैं कि ये क्वेश्चन इस ईयर में आया था, ये क्वेश्चन इस ईयर में आया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक आइडिया और यहां पर उस टॉपिक की इंपोर्टेंस भी आपको पता चलेगी कि ये टॉपिक इतना इंपोर्टेंट क्यों है। उसके बाद में मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी कई बार आपको बता चुका हूं कि यूपीएससी ईपीएफओ में आपको अपना कंप्लीट सिलेबस सबसे पहले कवर करना है, और आपको अपनी प्रिपरेशन अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो 9 मई को जब आपका एग्जाम होगा तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा रिवीजन करने के लिए। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम नजदीक आया और आपने रिविजन नहीं किया, तो यहां पर कई बार ऐसा होता है कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन हमारे सामने आया और उस टाइम वो दिमाग से उड़ जाता है फिर, ठीक है। अगर हम रिवीजन करके गए हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम दिमाग में रहता है और हमें उसको रिवाइज करने में काफी कम समय लगता है क्योंकि हम पहले उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर एक जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि मैंने आपको पहले बताया है, एक आपके पास में प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए और आपको डेली स्टडी करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आपको डेली स्टडी करनी होती है। ऐसा नहीं है अभी 10 डेज 15 डेज एक महीना तैयारी की और उसके बाद में 7 डेज 15 दिन आपने बीच में छोड़ दिया, तो क्या होता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं अगर आपका बीच में कोई गैप आ जाता है 1 मंथ का 15 डेज का, तो पीछे पूरा डस्टर घूम जाता है, पीछे जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसके ऊपर डस्टर घूम जाएगा, फिर आपको दोबारा से तैयारी करनी होगी। लेकिन जब आप लाइव क्लासेस में कनेक्ट होते हैं, यहां पर कोर्सेस में एनरोलमेंट कराते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर डेली है ना एक मोटिवेशन आता है, आप एक तरीके से बाइंड हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं अपने पढ़ने के लिए कि हाँ आज तो क्लास है, इस सब्जेक्ट की क्लास है, 2 घंटे क्लास चलेगी, ये टाइम है मुझे ज्वाइन करना है। और यहां से आप लगातार डेली स्टडी करते हैं, लिंक रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके ये 9 सब्जेक्ट कब कवर हो गए और आपकी प्रिपरेशन कैसे आगे बढ़ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जोश में आकर सेल्फ स्टडी स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, है ना, आफ्टर 1 वीक आफ्टर 15 डेज बोर हो जाते हैं, फिर ये समझ में नहीं आता कौन सा इंपोर्टेंस है कौन सा इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इससे क्या होता है कि जो प्रिपरेशन है वो ब्रेक हो जाती है। तो तेजस सर यहां पर अगर हम लोग बात करें, जब कैंडिडेट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना कितना इंपोर्टेंट है कैंडिडेट्स के लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन को टैली करते हो क्योंकि आप जो प्रिपरेशन करो आपको नहीं पता क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, यूपीएससी का लेवल ही अलग है, आप एसएससी को कंपेयर से यूपीएससी नहीं कर सकते, अलग लेवल है क्योंकि फिर क्वेश्चन बनाने का डिजाइन क्या अलग रहता है और वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है आपको, आपको स्टेटमेंट में आप बता दो कौन सा परफेक्ट उसमें स्टेटमेंट है या नहीं है, तो इस चीज को तभी हो पाएगा जब आपको चीजें आसानी से पता होगा उसके बारे में डिटेल, आपको नॉलेज आपकी होगी, डिटेल मतलब है थोड़ा बहुत आपको नॉलेज तो बिल्ड अप करना पड़ेगा अपने आपको लिए, तो उसमें जो बेसिक चीज आपको सिखाया जाएगा कि जैसे बहुत ऐसे मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन है, अब आपके मैं थोड़ा साइंस अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ पॉलिटी के भी अंदर सर क्या नए गवर्नमेंट अमेंडमेंट ला रही, तो अमेंडमेंट किस पे लागू हो रहा है किस पे नहीं लागू है, सीए आपका बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, सीए के बारे में बहुत पढ़ाया मैं, तो सीए के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन से आते हैं कि सर कौन से कंट्री से अप्लीकेबल है या नहीं है, उन सिटीजन के अप्लीकेबल है नहीं है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो पॉलिटी के बेसिस पे हो इकोनॉमिक की बेसिस पे बात करें, आत्मनिर्भर भारत अभियान है सर आपने सब जानते हैं कि एक गवर्नमेंट का मिनी बजट कह सकते हैं उसको और अभी भी एप्लीकेबल वहां पर हो रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में कहां पर गवर्नमेंट ने कितने फंडिंग की है ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि फंडिंग का पैटर्न यहाँ पर आपका आ रहा है, आरबीआई का क्लॉजेस क्या है, जन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण प्रोग्राम है उसका क्लॉजेस क्या है, तो ये दोनों चीजें हमारी टैली करती हैं, तो देखो एक एक बेसिक तो तभी समझ पाएंगे जब आपको उसकी नॉलेज आपको होगी और वो नॉलेज तभी होगी जब आपको सेशंस में क्लासेस अवेलेबल आपको मिलेगी, टीचर्स आपको उन करेंट मैंने फिर कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसको लेते हुए आपको डिस्कशन करेंगे, जैसे प्रवीण सर ने आपसे कहा कि एक एक बारीकी के चीजें से हमें आपको समझाएंगे कि कैसे क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे पॉइंट आउट करते हुए आपके लिए जो डिजाइन करना सिलेबस उसको देखते हुए यहाँ पर बनाया गया है,
ये चीज तमाम चीजें हैं। तो जल्द से जल्द जितने भी लोग हैं प्रवीण सर, मैं चाहता हूँ कि उनको स्क्रीन शेयर कर दीजिए एवं बच्चों को दोबारा बता दिए कि वहां पर कैसे क्या करना है कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं और कोर्स के बारे में, बैच के बारे में जानने से पहले एक बार हम चंदन सर से जान लेते हैं कि सर, चंदन सर, यहां पर कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन ये रहता है कि अकाउंट्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जब हम यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या अकाउंट्स में सभी चीजों को हमें डीपली पढ़ना है या हमारे ओनली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए? चंदन सर। बिल्कुल सर, ये स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, देखिए चूंकि कॉमर्स की जो शुरुआत होती है, जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने जाता है तो क ख ग घ एबीसीडी सीखता है, तो उसके लिए वो नर्सरी में एडमिशन कराता है, तो कॉमर्स में जो अकाउंट्स का जो नर्सरी है वो क्लास 11 से शुरू होती है। कॉमर्स में अकाउंटेंसी की नर्सरी क्लास क्लास 11 से शुरू होती है। लेकिन क्या क्लास 11, और पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो भी अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ईपीएफओ में वो ग्रेजुएशन लेवल तक के नहीं पूछे जाएंगे, वो सिर्फ क्लास 11 और क्लास 12 के अकाउंट को ही फोकस करेगा, ये बात आप गांठ में बांध लीजिए। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड में हमने देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अकाउंटिंग के, स्पेशली क्लास 11th के अकाउंटिंग प्रिंसिपल और क्लास 12 के कंपनी अकाउंट्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉजिकल बेसिक वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपको ज्यादा पीएचडी नहीं करना है, बस सभी चैप्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया में दूंगा और उससे रिलेटेड आपका लॉजिकल क्वेश्चंस क्या पूछेगा एग्जाम में वो दे दूंगा। पहले तो जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स है पहले में तो वो क्लियर करूंगा। जैसे सर ने कहा कि इकोनॉमिक्स, वाकई इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, समय का मांग भी इकोनॉमिक्स। अभी आप देखिए कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा इकोनॉमी की ही न्यूज आ रही है, तो उसी तरह अकाउंट्स के साथ इकोनॉमी का ही रिलेशन, मतलब अकाउंट और इकोनॉमिक्स से कहा जाए तो दोनों साथ साथ चलता है। तो सीधी सी बात है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंट्स के जितने भी रूल्स है और जितने भी चैप्टर्स है उसका मैं पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट करा दूंगा, सारे टर्म्स को क्लियर करूंगा, और ज्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि हम सीबीएसई को तो नहीं पढ़ा रहे, हमको तो ईपीएफओ का तैयारी कराना है, तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्या लॉजिकल क्वेश्चंस बनेंगे वो सारा बता देंगे, सारे टर्म्स को क्लियर कर देंगे, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू चंदन सर। हमारे पास में एक क्वेश्चन आया है कि सर ये क्लास कहां पर होगी, तो मैं आपको क्लास के बारे में बताने वाला हूं, पूरा डिटेल में हम लोग बताएंगे अभी। एंड दूसरा, यहां पर एक कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने बोला है कि एग्जाम ज्यादा लेट नहीं हो, लेट हो गया है। देखो इसको आप लेट के हिसाब से देखेंगे तो मैं लेट के हिसाब से तो नहीं देखूंगा, मैं कहूंगा ये तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना। अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि आपके पास में प्रिपरेशन करने का अब काफी समय है, इनफ टाइम है, और यहां पर यूपीएससी ईपीएफओ का अब आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज क्या होगा, अगर एग्जाम अक्टूबर में हो जाता तो आपके पास में काफी कम समय था, 2-3 महीने का ही समय था जिसमें पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता, लेकिन यहां पर कम से कम 6 महीने का समय चाहिए यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेबस कवर करने के लिए। और जब आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो इस बैच में भी आपको यही यहां पर पूरा मिलने वाला है डिटेल में। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहां पर मैंने आपको पहले बताया था, आप लोग अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए adda247.com, ये आपको टाइप करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आप स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद में नीचे आएंगे तो यहां पर गवर्नमेंट जॉब्स कोर्सेस बाय एग्जाम, इसमें आपको क्लिक करना है ईपीएफओ के ऊपर। जैसे ही आप लोग ईपीएफओ के ऊपर क्लिक करते हैं, ईपीएफओ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर एक बैच आएगा यूपीएससी ईपीएफओ क्रैकर बैच एनफोर्समेंट ऑफिसर, और ये बैच आपका 7th of September 2020 से स्टार्ट होने वाला है। भाई सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, इस बैच में ओनली 500 सीट्स हैं, और बहुत तेजी के साथ में एनरोलमेंट हो रहा है इस बैच में, क्योंकि यहां पर ये बैच का प्राइस इतना रखा गया है सो दैट आप सभी इसको अफोर्ड कर सकें, इतना प्राइस रखा गया है, तो एनरोलमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। और उसके बाद में सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आपको 12 months 12 महीने की वैलिडिटी मिलने वाली है, तो अगर आज आप इसमें एनरोलमेंट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के, है ना, अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर बात करें 2021, 12 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी।
और यहाँ पर आपको डेली दो क्लासेस मिलेंगी, तो सिलेबस भी आपका बहुत तेजी से कवर होता जाएगा। तो अगर मैं इसमें बात करता हूं तो 300 आवर्स की लाइव क्लासेस और हर लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा। और इस बैच में आपको कौन कौन पढ़ाने वाले हैं और इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है, तो पूरी डिटेल आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और कौन कौन आपको पढ़ाएगा, जैसे करंट अफेयर्स डेवलपमेंट इश्यूज की बात करें, नवदीप सर आपको पढ़ाने वाले हैं। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी की सचिन सर आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद में अगर हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करें, चंदन सर आपको पढ़ाने वाले हैं। और तरुण सर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी यहां पर कवर कराएंगे। और मैं आपको कराने वाला हूं यहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की, है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करा चुका हूं अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, तो आप उनको भी सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद में यहां पर राजेश सर आपको इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगल है ये टॉपिक आपका कवर करेंगे, और अमृत कौर मैम आपको इंग्लिश कवर करेंगी, और तेजस सर आपकी इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं, जीवेश सर आपको इंडियन पॉलिटी और सोशल सिक्योरिटी पूरा कवर करेंगे। तो यहां पर हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपके साथ में कनेक्ट होंगे, तो उनके साथ में जुड़कर आप सभी टॉपिक्स को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर कर सकते हैं। इसके बाद में इस बैच के ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। यह बैच अभी आपको 2999 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको क्या करेंगे, व्यू ऑफर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपनी जो ईमेल आईडी है वो टाइप कीजिएगा, है ना। जो भी ईमेल आईडी आप एक्चुअल में यूज करते हैं वही आपको टाइप करनी है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में यहां पर जो कूपन कोड है गणेशा 25% का डिस्काउंट पाने के लिए अप्लाई क्लिक के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये बैच अभी आज आपको 2249 रुपीज में मिल जाएगा। और ये अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी, और उसी के उपलक्ष में जो गणेशा कूपन कोड आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसका लाभ उठाइए, इस अपॉर्चुनिटी को अभी कैश कीजिए। और इस बैच में यहां पर कूपन कोड अप्लाई करने के बाद में बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके अभी इसमें एनरोलमेंट कीजिए। और अगर आप अभी एनरोलमेंट करते हैं तो यहां पर मॉक टेस्ट तो आपके अकाउंट में अभी अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी जो लाइव क्लासेस है वो 7th of September से स्टार्ट हो जाएंगी। और इस बैच में जो एनरोलमेंट है वो फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले एनरोलमेंट कराएगा उसी की सीट सबसे पहले बुक होगी। और जैसे ही यहां पर सारी सीट्स फुल हो जाएगी इस बैच में एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। तो जिन जो भी कैंडिडेट्स अब की बार यूपीएससी ईपीएफओ को एग्जाम को फर्स्ट टाइम सिंगल टाइम में क्लियर करना चाहते हैं तो वो इस बैच में जल्दी से एनरोलमेंट करें। तो यहां पर हमारे साथ में कनेक्ट हैं चंदन सर, तेजस सर, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड सभी कैंडिडेट्स का थैंक यू। चंदन सर, तेजस सर, जाते जाते सभी स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आपको इतने कम दामों में ये कोर्स अवेलेबल हो रहा है, आपको 300 आवर्स की क्लासेस प्लस 65 मॉक टेस्ट, ये कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंडिया किसी प्लेटफॉर्म पे इतने कम दामों पर आपको अवेलेबल नहीं होता। गाइस जस्ट ज्वाइन हो जाइए आज सभी लोगों के लिए, हम हमारी टीम पूरी आपके साथ है, प्रवीण सर, चंदन सर, पूरी टीम आपके साथ है, और सिलेक्शन आपका 100% आपका होगा, ये हम गारंटी आपको देते हैं। बस फटाफट एनरोल हो जाइए, बिल्कुल भी वेट मत करिए, इसको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, और सही बात है, एकदम कम कॉस्टिंग में पढ़ाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया जैसे इंडिया में कोई आपको इतने कम कॉस्ट में यूपीएससी की प्रिपरेशन कराएगा, वो भी जिंदा दिल के साथ। तो हम सब टीम आपके साथ है, एकदम कुछ चिंता नहीं करना है। और कई लोग सोचते हैं सर यूपीएससी बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है, बस एक चीज बात जान लीजिए कि आप अपना खाली चैप्टर वाइज जितने भी सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट है, उसका पहले आप चैप्टर वाइज बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाइए, समझ लीजिए आपका 70% यूपीएससी निकल गया। और 30% में आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट और अपकमिंग एग्जाम में किस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे वो क्लियर कर लीजिए। दावा है पूरे अड्डा 247 का, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। थैंक यू चंदन सर। और यहाँ पर दो तीन कैंडिडेट के क्वेश्चन आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लासेस आपके अड्डा 24/7 अकाउंट में होंगे। आप गूगल प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अगर उसके थ्रू आप एनरोलमेंट करते हैं तो 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपको, और वहां से आप डायरेक्टली क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। या आप अपने ब्राउजर में adda247.com टाइप करेंगे, उसमें ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन में क्लिक करेंगे तो वहां से आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इंटरव्यू में यहां पर अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो इंटरव्यू यहां पर आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, एक तरीके से आपकी
आपकी जो पर्सनलिटी है वो चेक की जाती है, आप लॉजिकली कितना सोचते हैं, कितना मतलब अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आई है उसे कैसे हैंडल करते हैं। तो जरूरी नहीं है अकाउंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, तो उससे आप बेफिक्र हो जाइए। चलिए, तो यहाँ पर मुझे लगता है सभी के जो क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं। सर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए क्या फॉर दिस क्वेश्चन? देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विपिल इस बैच में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इस बैच का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड यूज कीजिए गणेशा, तो इससे 25% प्लस 5% अगर का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अडा 24/7 की एप्लीकेशन के थ्रू यहां पर इस बैच में एनरोलमेंट करते हैं। तो अभी आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए अडा 24/7 और यहां पर एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड करके और उसमें रजिस्ट्रेशन करके एनरोलमेंट कीजिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं सभी को धन्यवाद, और यहां पर आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और एक नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे आपको नई चीजों के साथ में, नई उमंग के साथ में और नए पॉइंट्स के साथ में, नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर।